Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear students. Abam next surah they can which is Suratul Quraish, okay, the tribe of Quraysh. The people of Quraysh would travel for business and would go in a big group called Karwa. They would travel during the summer to Al-Sham and during winters to Yemen. They would then return safely to makkah Allah tells them to be grateful by worshipping Him as He is the one who fed them with from hunger. And kept them safe during their journey. These goods, these good things were given to them because of the house of Allah, and they were its people. तो देखिए इस सूर्य के अंदर अल्लाह ताला ने कुरेश को जो है अल्लाह ने अपनी ब्लेसिंग्स का एहसास दिलाए हैं कि कुरेश जो था उस टाइम पे ही was द इट was द मेन कबीला द ट्राइब इन मक्का और ये जो काबे की रकवाली है और तिजारत जो था बिजनेस एवरीथिंग थिंग जो है उसमें सबसे आगे आगे थे तो काबा जो था सेंटर था मक्का के अंदर एंड इट वाज द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर एवरीवन अराउंड द ग्लोब तो यहाँ पर लोग बहुत सारे आते थे और ख़ुद कुरेश के लोग जो है शाम यानी सीरिया और यमन को जाते थे अपना बिजनेस करने के लिए इस सूर्य में अल्लाह उन्हीं सब ब्लेसिंग्स का जिक्र कर रहे कि तुम जो विंटर्स में और समर में जो तुम जाते हो और सेफली जाते हो कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाता कोई तुम्हें लूटता नहीं है तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स दी हैं अल्लाह ने ये तुम्हें दी हैं और इन ब्लेसिंग्स का तुम एहसास करो जो तुम कारवा लेके अपना निकलते हो अपने गुड्स को बेचने के लिए बिजनेस करने के लिए तजारत करने के लिए तो ये सब अल्लाह ने तुम्हें दिया है और इस सूर्य की जो पहली आयत है वही है कि फॉर द सेफ्टी ऑफ क्रोश देर सेफ्टी ड्यूरिंग विंटर एंड समर कामा जर्नीज़ तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनको सेफ़ रखता है उनका प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ एविल्स और उनकी जर्नी जो रहती है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सेफ रहती है और वो आसानी से अपना बिजनेस करते हैं सो लेट दैम वर्शप द लॉर्ड ऑफ़ हज़ हाउस तब अल्लाह कहते हैं कि जब अल्लाह ने ये सारी नायमतें ये सारी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स तुम्हें दी हैं तो तुम्हें क्या करना चाहिए अल्लाह के सामने सजदा करना चाहिए फलयाब अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ने यहाँ पर हैं कि इस, इस हाउस के रब की यानी कि इस हाउस का रब कौन है अल्लाह रबुल्ज़त है ठीक है तो यहाँ पर जो है इसी बात को बताया गया है कि तुम्हें खाने के लिए अच्छा खाना अल्लाह ने जो दिया है और हर तरह की नियामतें दी हैं तो तुम उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह के सामने सजदा करो हु has फेड देम अगेंस्ट हंगर एंड हैज़ secured देम अगेंस्ट fear? यानी कि उनको किसी चीज़ का डर नहीं है किसी चीज़ की परेशानी नहीं है काबे की वजह से उनको हर लोग की निगाह से देखते हैं उनको जो है बहुत ही रेस्पेक्ट करते हैं कभी उनके ऊपर कोई डाकू वगैरह हमला नहीं करते और हमेशा उनको एक रेस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है बिकॉज ऑफ काबा तो उनको चाहिए कि वो अल्लाह के सामने सजदा करें और अल्लाह ने उन्हें इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स वेजिटेबल्स दिए हैं इतना कुछ खाने के लिए दिया है फ्राम ऑल ऑल ओवर द ग्लोब उनके पास जो है खाना आता है और बहुत सेफ़ली वो अपनी तिजारत भी करते हैं तो अल्लाह ने जो है यहाँ पर इन ब्लेसिंग्स को याद करवा कर और उन कुरेश के साथ कुरेश से कहा है कि बस तुम अल्लाह की इबादत करो क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया है ये सारे ब्लेसिंग्स ये प्रोटेक्शन ये खाना ये बिजनेस और ये पैसा ये शोहरत और ये जो काबा जो अल्लाह ने बनाया है मतलब अल्लाह के हुक्म से बना है मक्का में ये अल्लाह की वजह से बना है ये अल्लाह के हुक्म पर बना है तो इस वजह से तुम्हें ये सारा मिल रहा है तो तुम अब क्या करो अल्लाह का शुक्र अदा करो अल्लाह अल्लाह के सामने सजदा करो अल्लाह को याद करो अल्लाह ही की इबादत करो ये अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कुरेश को तो आई होप कि ये छोटा सा सुर आपको समझ में आया होगा इन दूर इज़ ऑल अबाउट द ट्राइब ऑफ कुरेश और मक्का में जो है इस ट्राइब के थ्रू अल्लाह ताला तमाम लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि जो भी ब्लेसिंग्स अल्लाह ने आपको दी हैं उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जजाकमल्हु खैरन कसीरा